हेलो दोस्तों, आप लोग का हिस्ट्री टेक में स्वागत है। दोस्तों क्लास टेंथ का हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का जो वेटेस्ट था दोस्तों, आज मैं बता रहा हूँ, अगर ये वीडियो लास्ट तक देखते हो आपको 100% पता चल जाएगा कि चैप्टर से कितने मार्क्स के लिए आएगा, विद ऑप्शन के साथ कितने मार्क्स से वो चैप्टर। कुछ चैप्टर पढ़ के लोग अच्छा मार्क्स ला सकते हैं दोस्तों। अलजेब्रा और ज्योमेट्री का हिस्ट्री टेक चैनल पे अपलोड हो चुका है। अभी आज आपका जो SSC क्लास टेंथ का हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस है उसका वेटेस्ट, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर हिंदी मीडियम का बनाओ। दोस्तों बार बार बोलते हो चैप्टर सेम है, खाली वो इंग्लिश में, आपका हिंदी में मार्क्स वही रहेगा, बस आपको क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, कितने चैप्टर पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंस पढ़ना है। दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखोगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। सबसे पहले अगर आपको बताओ हिस्ट्री में टोटल कितने लेसन है, 9, पूरा 9 चैप्टर हम लोग के पास। हिस्ट्री में कितने चैप्टर है, 9, एंड पॉलिटिकल साइंस में 5। अभी देखोगे सर वेटेज तो लिख दिया, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, इसे लिखो नौ बता रहा हूँ, ध्यान से पूरा वीडियो लास्ट तक देखो बस। अब सबसे पहली बात, हम लोग को इसमें से क्या करना पड़ता है सर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप बताओ ना। बहुत सारे स्टूडेंट बार बार कमेंट करते हैं ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, साइंस हो गया, ये सब का इम्पोर्टेंस बताते हैं, बट जो आपका हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस या तो ज्योग्राफी, ये सब में वेटेज अगर आप इम्पोर्टेंस वेटेज नहीं इम्पोर्टेंस के तौर पे अगर आप पढ़ाई करोगे तो कभी कभी आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि जो चीज आप लर्न करके कह रहे हो शायद उसमें से ना पूछे। ऐसा नहीं है कि सर नहीं पूछेगा, बट कुछ चीजें शायद ना पूछे। इसके लिए आपको बोल रहा हूँ, जो भी आपके एक्सरसाइज में दिया गया हर एक क्वेश्चन आपको लर्न करके जाना है, टेक्स्ट पूरा अच्छे से लर्न करके जाना, आपका 40 में से 40 मार्क्स आएगा, 100% बोलता हूँ दोस्तों। अगर एक भी क्वेश्चन बाहर से आपका आएगा नहीं, आपके कहाँ से, टेक्स्ट बुक के अंदर से अगर आप पढ़ के जाते हो, टेक्स्ट बुक के अंदर का भी रहने दो, अगर आप टेक्स्ट का जो एक्सरसाइज हम लोग का चैप्टर का एक्सरसाइज क्वेश्चन पीछे दिया रहता है, बस उसको अच्छे से हम लोग लर्न करके जाएंगे तो भी हमारा बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। तो सबसे पहले अगर आपको बताओ तो चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड दोनों को मिलाकर 6 मार्क्स के लिए आएगा। कितने मार्क्स के लिए, 6 मार्क्स के लिए हम लोग के लिए, बट वेटेज के हिसाब से टोटल 9 मार्क्स के लिए आता है। कौन सा, 9 मार्क्स। अगर हम लोग 2 लेसन लर्न कर लेते हैं तो भी हमारा 9 मार्क्स क्या होता है, क्लियर हो जाता है। अब इसके अगर आप देखोगे अकेला थर्ड चैप्टर हमारा कितने मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, बट ऑप्शन के साथ में अगर देखोगे तो कितने मार्क्स के लिए आता है, 5 मार्क्स के लिए। इसके चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 5 चैप्टर मिलाओगे 16 मार्क्स मिलेगा, बट इधर देखो ना 23 मार्क्स मिलेगा। कितना, 23। आप इसको कम इसको ज्यादा ध्यान दो, हम लोग को अगर देखो ए 5 के अगर हम लोग को लर्न करके ही जाना है भाई, अगर हम लोग 9 और 5 14 हो गया, बस इसको अगर लर्न करके गए 14 और इधर कहीं कर ले 15, 16, 17, या अगर 14, 5, 19 बस इतना ही करोगे तो आपको बहुत तकलीफ होगा। तो आपको क्या करना है, इसमें अगर ध्यान से देखोगे चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, 7, 8, ये 4 चैप्टर तो हम लोग को कितना, 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर तो हम लोग को 100% करके ही जाना है, क्योंकि 23 मार्क्स आएगा। अभी पांचों में से कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, हमको तो मालूम नहीं, ना तो आपको मालूम है, इसके लिए बता रहा हूँ इसमें से हर एक एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो आपको मिलेगा, बट अभी से आपको क्या करना, बस आपको खाली टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन लर्न करना। तो इसको अगर लर्न करोगे कितने मार्क्स के लिए आएगा, 23 मार्क्स के लिए, बट आप कितने मार्क्स के लिए, 16। ये वेटेज के हिसाब से, बिना वेटेज का तो 6 मार्क्स के लिए पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर 3 मार्क्स के लिए, अगर 4, 5, 6, 7, 8 पांचों लेसन देखोगे तो 16 मार्क्स के लिए, लास्ट वाला 9वां देखोगे 3 मार्क्स के लिए, विथ ऑप्शन के साथ में 9 मार्क्स, 5 मार्क्स, 23 मार्क्स, 5 मार्क्स, टोटल 42 मार्क्स का आपका हिस्ट्री का एग्जाम होगा। बट हमको मार्क्स कितने का रहता है, 28 में से ही लाना रहता है, 28 मार्क्स ही लाना रहता है, बट वेटेज के हिसाब से पूरा कितने मार्क्स के लिए रहता है, 42। तो इसमें से कौन से चैप्टर, मैं बोलूंगा दोस्तों अभी से आपको लाइन से याद करना, ऐसा कूद के नहीं जाना है, आपको पहला, दूसरा, तीसरा, एक लाइन से अगर सीरियल वाइज याद करते हो, अगर आपको 3 लेसन भी याद है, 9 और 5 आप ऐड करोगे कितना हो जाता है, 14 हो जाता है। 14 के बाद अब इसमें से आप कंटिन्यू लर्न करो दोस्तों, अभी आपके पास बहुत टाइम है, अगर आप पढ़ रहे तो, नहीं पढ़ रहे कुछ टाइम नहीं है, याद रखना आपके पास अगर अभी से कंटिन्यू आप मेहनत कर रहे हो तो ऐसा टेंशन लो मत, काफी टाइम है अभी आपके पास। बट जो नहीं पढ़ रहा है, खाली देख रहे ना आज पढ़ रहा हूँ कल पढ़ूंगा परसों पढ़ूंगा, उसके पास एक भी दिन टाइम नहीं, इतना याद रखना। तो ये आपका 2 हो गया, अगर 3 चैप्टर कर ले तो 14 मार्क्स क्लियर फिक्स है आपका, 14 मार्क्स हो गया। इसके बाद 4, 5, 6, अब ये पूरा मिलाकर 23 मार्क्स का हो रहा है, तो आप एक लाइन से याद करो ना, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री टेक चैनल पे आपको मिलेगा। तो ये आपका क्या था, हिस्ट्री का मैं वेटेज बता दिया, क्या करना वे भी बता दिया। अब पॉलिटिकल साइंस में अगर आप ध्यान से देखोगे चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 5 चैप्टर हम लोग को दिया गया, कितने चैप्टर दिए गए, 5 चैप्टर। पहला चैप्टर 3 मार्क्स के लिए आएगा, वेटेज के हिसाब से कितने मार्क्स के लिए आएगा, 5 मार्क्स के लिए। सर वेटेज के हिसाब से क्या होता है, तो सर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि जैसे कि हम लोग को उस चैप्टर से
5 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब उसमें से हम लोग को एनी टू करना रहता है, एनी थ्री करना रहता है। अगर हम लोग अच्छे से चैप्टर फर्स्ट याद करेंगे 5 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग को चैप्टर फर्स्ट से देखने के लिए मिलेगा। एंड चैप्टर सेकंड और थर्ड को अगर देखोगे 20 से 8 मार्क्स के लिए देखने के लिए मिलेगा, बट हम लोग को 5 मार्क्स का। अल्टर हमारा जो चैप्टर फोर्थ और फिफ्थ 4 मार्क्स के लिए, वेटेज के हिसाब से 7 मार्क्स टोटल हमारा अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और हम लोग को 12 मार्क्स के लिए पॉलिटिकल साइंस आता है। मैं एक ही चीज बोलूंगा दोस्तों, आपको एक लाइन से याद करना, अगर ये दोनों भी कर ले तो 8, 2, 10, 3, 13 मार्क्स हो जाएगा अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लिए तो। दोस्तों एक लाइन से आपको याद करना, एक भी इम्पोर्टेंट के पीछे भी नहीं भागना है। बोर्ड एग्जाम आएगा एंड आपका प्रीलियम आएगा और जो भी आएगा सेमेस्टर आएगा उसमें आपको इम्पोर्टेंस दिया जाएगा कि इसको जरूर करो। बट जब आपको याद रहेगा, अगर मैं उस चीज को आपको बोलूंगा बस एक क्वेश्चन करके जाओ तो आप क्या करोगे, सर ये तो बस रिवाइज करना। अगर कभी कभी वो क्वेश्चन नहीं भी आया तो भी आपको बाकी तो याद है तो आप करके जाओगे। दोस्तों बोर्ड एग्जाम में या प्रीलियम में या सेमेस्टर में ऐसा नहीं है जो पता है वही याद। हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन 100% आ ही जाता है, बट आपको इसमें से हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में आपको क्या करना, पूरा टेक्स्ट बुक का जितना भी है वेटेज आज आपको पता चल गया, बस अपने दोस्तों में शेयर करो, उनको भी इस चीज के बारे में बताओ और एक लाइन से आप याद करो। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पर पैसे मिलोगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।